नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पराली जलाने के मुद्दे पर उबले फतेहाबाद के किसान, एडीसी को दिया दो टूक जवाब। 23 अक्टूबर तक को किसानों को संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, वरना पराली को आग लगा दी जाएगी। किसानों ने रोड जाम करने की चेतावनी भी दी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। पराली जलाने के मुद्दे पर किसानों ने आज फतेहाबाद की सब्जी मंडी में एक महापंचायत करके प्रशासन को पराली निरस्त करने की समस्या का समाधान आर पार का ऐलान कर दिया। किसान इकट्ठे होकर के मंडी के लघु सचिवालय पहुंचे और यहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद एडीसी महावीर सिंह किसानों से बातचीत करने के लिए नीचे पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर के चर्चा भी की। किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप सिंह ने एडीसी से दो टूक जवाब देते हुए कहा कि 3 साल से सरकार और प्रशासन किसानों को संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पाया। अपनी कंपनियां छुपाने के लिए किसानों पर सीधा मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए जाते रहे हैं। मनदीप सिंह ने कहा कि 23 अक्टूबर तक किसानों को संसाधन उपलब्ध करवा करके पराली निरस्त करने की समस्या का समाधान कर दिया जाए और 23 तक प्रशासन संसाधन उपलब्ध नहीं करवाता है तो किसान पराली को आग लगाएंगे। इसके अलावा रोड भी जाम की जाएगी। आप देख रहे हैं पलपल की ये पिछले 3 सालों से लगातार जो धान की पराली वाली समस्या है वही समस्या बरकरार है, क्योंकि सरकार ने धान की पराली का कोई समाधान नहीं किया। पिछले साल भी समस्या जो कि तू बनी हुई है, पिछले साल भी समस्या यही थी, अभी यही समस्या है। अब डी साहब ने एक बयान दिया था भी हम किसान जो आग लगाएंगे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे, मगर जिस कोर्ट का हवाला देके किसान भी नहीं चाहता अभी प्रदूषण किया जाए, आग लगाई जाए, मगर उसके पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इसका प्रबंध सरकार ने करना था, साधन मुहैया कराने थे, साधन मुहैया नहीं कराए, उल्टा किसान को डराने और धमकाने का काम यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार कर रही है। आज हमारी किसान संघर्ष समिति जो फतेहाबाद जिले में काम करती है उसकी हमारी जिला स्तरीय मीटिंग थी। आज हम डी साहब से मिलने के लिए आए, उस दिन भी मिलने के लिए आए थे, डी साहब हमें नहीं मिला, आज भी हम डी साहब से मिलने के लिए आए। हम ये पूछना चाहते हैं कि किसानों की पराली के लिए आपने क्या साधन हमें दिए हैं जिससे हम पराली बाहर निकालें। यदि आप साधन नहीं हमारे को दोगे तो आग लगाना किसान की मजबूरी है, क्योंकि फिर गेहूं की फसल नहीं बो पाएगा, किसान पहले ही कर्जे की मार के नीचे है, इसलिए प्रशासन ने कोई साधन नहीं दिए। जो साधन दिए, जो मशीनें कह रहे हैं मशीनें दी हैं, वो बड़े बड़े जिम्मेदारों को दे दी, उसमें बहुत बड़ा घपला है, और वो आम जो छोटा जिम्मेदार है, 5-10 किले का किसान है, उसको उसका कोई लाभ नहीं मिला। आज पराली का भी सीजन चला नहीं, अभी ये चुनाव है, चुनाव के चलते हुए अभी कार्रवाई नहीं कर रहे, मगर अभी 21 के बाद जो धमकी है, जैसे प्रशासन कह रहा है किसानों पर पर्चा दर्ज करेंगे, हम कहने के लिए आए हैं, हम पहले आप हमें प्रबंध करके दें, प्रबंध करे कर, 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 करके दोगे तो हम आग नहीं लगाएंगे, यदि प्रबंध नहीं करोगे तो आग लगाएंगे, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ये मतलब सरकार की पॉलिसी नहीं है खेती को बचाने की, जो बजट है हर साल खेती का कटाया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं ना। किसान तो वही ये सोचते हैं, असंगठित लोग हैं किसान, किसानों के का शोषण करना मतलब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई किसान इकट्ठा नहीं है, पर इस बार फतेहाबाद जिले का किसान इकट्ठा है। यदि इन्होंने पर्चा किया तो इसका मुंह तोड़वा जवाब किसान संघर्ष समिति इस बार बड़ा आंदोलन करके जिस समस्या का समाधान ना हुआ तो हम तो कह रहे हैं, हमने 23 तारीख को एक बड़ा कट फतेहाबाद में बुलाने का फैसला कर लिया। ये 100 साथी अलग अलग गाँव से आए हैं और हम अपनी एप्लीकेशन लेके आएंगे डी साहब के पास भी, हमें साधन दिया जाए, हमें मशीन उपलब्ध कराई जाए, 23 को हम ये लेके आएंगे, लिखती लेके आएंगे। तो बिल्कुल ये चुनावों में भाजपा सरकार आ रही, देखो बिल्कुल ये सरसा लोकसभा सीट की 9 सीटें भाजपा जा रही है, क्योंकि जो किसान के ट्रैक्टर के ऊपर उन्होंने चलान की जो राशि बढ़ाई है, जो उसमें हैवी लाइसेंस की बात करी की गई है, आज धान की पराली का मसला है, नशे का मसला है, ये हमारे सामने है। 9 की 9 विधानसभा जो विधानसभा सीटें जो सरसा लोकसभा में आती है भाजपा उसमें छुट्टी है, बिल्कुल बुरी तरह आ रही है। जैसे फसल निकल रही है तो पराली जल भी रही है, तो किसान पराली जला रहा है जी? नहीं, किसान मजबूरी है जी किसान की, तो हम तो कह रहे हैं साधन दे दे प्रशासन हमें, हम तो आग लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, साधन नहीं देगा तो हम आग लगाएंगे और कोई रास्ता नहीं। तो क्या लगता है सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही किसानों को? किसान विरोधी सरकार है ये, मतलब जो बजट है उसका बजट कम किया जा रहा है, खेती को तो फेल किया जा रहा है ना, खेती के जो बीज सर्च सेंटर थे जहाँ पैसा मिलना चाहिए पैसा नहीं गवर्नमेंट दे रही, अब नए बीज ही नहीं आ रहे, नई तकनीक, अब अभी कह रहे हैं अभी ये हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है धान की वजह से, उसका उसके संबंध में उसके जो उसका हल तो निकाले ना, कोई दूसरी फसल का भाव दे सरकार। अब खट्टर साहब ने यह कह दिया अभी धान ही ना लगाओ, धान पे पाबंदी लगा दी, जो पंचायती जमीन है धान पे पाबंदी लगाने से पानी थोड़ा बचेगा,
किसान की किसान कर्जे के नीचे है और किसान को दूसरी फसलों का भाव बराबर कर दो ताकि किसान धान कम लगाएगा तो दूसरी फसलें अपने बदल आ जाएगा। बदल मुकदमे दर्ज होते हैं आप क्या करेंगे? बिल्कुल मुकदमे इस बार हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। देखो ये कोर्ट का आदेश है, पहले सरकार ने साधन देने, साधन तो हमें दिए नहीं, कहाँ साधन, हमें साधन दे देंगे तो हमें एक भी तीला पराली का नहीं जलाएंगे क्योंकि इसी वातावरण में हमने सांस लेना, हमें पता प्रदूषण है। आज गग्गर का प्रदूषण नहीं नजर आ रहा है इनको, जो लोगों की जान ले रहा है, जिससे हेपेटाइटिस सी कैंसर जैसे रोग लग रहे हैं। हमारे क्षेत्र का जो ग्राउंड का पानी है तो वो नीचे वाला धरती और भूमि पानी खराब हो रहा है, वो नहीं नजर आ रहा है। नशा नहीं नजर आ रहा, नशे से जवानियां तबाह की जा रही है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? ये किसान पर कार्रवाई कर रहे, किसान ही प्रदूषण कर रहे। इसलिए हम तो आज कहने के लिए हम 23 तारीख को बड़ी तादाद में आएंगे। यदि डीसी रिसा आते हैं हर बार हमें मिलते नहीं, यदि 23 को डीसी नहीं मिलेगा तो मेन हाईवे बंद करेंगे, और जब तब तक मेन हाईवे बंद करेंगे तो डीसी बाहर नहीं आएगा। क्या नंबर क्या पता जी अपना? मैं मनदीप सिंह और मैं किसान संघर्ष समिति का सदस्य हूं। हम किसी पराली को आग नहीं लगाना चाहते क्योंकि प्रदूषण होता है, मगर जो किस कोर्ट का हवाला दे के मतलब पराली ना जलाने की बात की जा रही है, उस कोर्ट ने ये भी देख दिया था सरकार को भी किसानों को मतलब साधन मुहैया कराएगी पहले सरकार, फिर उसके बाद सरकार किसान ना माने तो पर्चे होगा। मगर अब क्या हो रहा है, अभी पिछले 3 सालों से हमारे पास कोई साधन नहीं, हम साधन की मांग कर रहे हैं, हमें साधन दिया जाए, यदि साधन नहीं देते तो हमारी आग लगानी मजबूरी है। और जैसे अब डी साहब ने एक बयान दिया था हम पर्चे दर्ज करेंगे, बोले मेहनत करने वालों के खिलाफ पर्चे दर्ज करेंगे, तो कोई हम भी यहीं रहना, हमने सांस यहीं लेना, प्रदूषण हमें भी तंग करता है, और इसका समाधान बताया जाए। क्या समाधान है प्रशासन के पास, किसान के पास आग के सिवाय कोई समाधान? कोई ज्ञापन देना है? ज्ञापन तो देखो हमने बहुत दे रखे हैं, ज्ञापन तो हम तो मतलब ये आप डी साहब से मिलना था, उस दिन भी आए थे, डी साहब नहीं था, अब 23 को हम बड़ी ताकत में आएंगे। मतलब हम लोग लिखित में मांग करेंगे कि हमें साधन दिया जाए 23 को, साधन नहीं दे प्रशासन नहीं देगा तो किसान के पास कोई चारा नहीं। चलो कुछ तो बेलर आपको दे रखे, कुछ और बात हो रखी है, बात चल रही है? ये पिछले साल भी यही बात थी, हमारे गांव के पास दो बेलर दे रखे, 2500 रुपया एकड़ का मांग रहे हैं, और भी बेलर आ जाएगी, और भी बात। देखो ये एक बस नहीं है जी, यदि हमें साधन नहीं मिलेंगे तो आग तो मजबूरी है, किसान की लगेगी जी, नहीं तो गेहूं नहीं बीजी जाएगी। वो पिछले साल कह रहे थे पराली हम मोल लेंगे, वो पराली लेके आए थे 500 रुपए क्विंटल, एक रुपया मांग कर रहे थे हम, एक ही रुपया दे दो, एक रुपया नहीं दिया हमें, हमारी बात चल रही है। देखो नहीं सर, एक मिनट, मतलब ये बात 3 साल से चल रही है, हम आते हैं, आप ठीक है, आप नए आए हो, पिछले सब साल और साल थे, यही बात होती है, हमारी कोशिश चल रही है जी, हम कर रहे हैं जी, पर हो नहीं रहा है। ऐसी बात है, कुछ तो बेलर आए भी हैं। नहीं देखो मैं कहता हूँ ये अभी तो देखो अभी सीजन शुरू नहीं हुआ, आने के बाद ड्रा हुआ है। कितने सीजन कितने बेलर मिले ये एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, अब तो संख्या देखो एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ जो धान की ठीक है वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल एरिया बड़ा है, बस आप हम 23 को आएंगे, देखो जी हमें आप प्रशासन बता देगा, या हम वो जो साधन देगा हम साधन लेने के लिए तैयार हैं, पर जब साधन नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं। सर आप तो सोसाइटी को दो ना, हमारे गांव में सोसाइटी है उनको दो, आप जमींदार को क्यों देते हो? वो किराया पे देते हो, बेलर दी बीजू ही काट चुका हूं, जब ही नहीं है बेलर दी बीजू काट चुका हूं, जब ही नहीं है और वो गन्ना बना रहा है बेलर को मार दिया। पर या तो एक काम सर सोसाइटी को दो दी तो सारा समाधान है। ये 5 दिन पहले आए थे कुछ लोग, हम ही आए थे, हम मेरे रेजिडेंस पे आए थे, अब एक काम करो 5-7 लोग आ जाओ, चाहे आज आ जाओ चाहे कल आ जाओ, एक बार बैठ के बात कर लेते हैं, उनसे अपडेट भी ले लें डिपार्टमेंट से है। तो अभी डीडीए से मेरी बात हुई, वो कह जी ऊपर से बात हुई है, जल्दी आ जाएंगे। अब आप लोग क्या तो मुझे एक टाइम दे दो कि इस टाइम हम आएंगे, 23 को आएंगे जी, मैं डीडीए को बुलवा लेता हूँ, बैठ के बात कर लेते, आप 23 तक क्लियर कर दो जी, ठीक है भैया, हमारे सोसाइटी को मिलनी चाहिए ये बात भी, ठीक है किसान वालों, बड़ा किसान ले जाएगा वो तो उसका शोषण करता है, किसान